सत्यन जी, आपने संजीव कुमार के साथ बहुत काम किया है, वो शुरू से ही आपके साथ थे। आप ज़रा बताएंगे वो कैसे अभिनेता, कैसे इंसान थे? आप मुझे याद दिला रहे हैं, ये सन 57 की, 57, एक राइटर थे फिल्म लाइन के ही, मेरा शो हो रहा था केसी कॉलेज में, वहाँ एक साहब आए, मैं उनको जानता भी था, एक लड़के को लेके आया साथ में। कहने लगे भाई इनका नाम हरी है। मैंने कहा हरी? बोले नहीं, हरिहर जरी वाला। मैंने क्या बात है भाई, इनको क्या करना है? बोले ये एक्टिंग करना चाहते हैं यार, और इन्हें इप्टा में अपने साथ काम करवाओ। वो मुझे जानते थे इसलिए मैंने कहा ठीक है काम करो, कल इनको हमारे ऑफिस भेज दो इप्टा के। वो अगले दिन आए, मैंने सबसे मिलवाया, हमारे के हंगल साहब थे सबसे बड़े पुराने, और हमारे डायरेक्टर आर.एम. सिंह, उनसे मिलवाया। मैंने कहा भाई इनको एक्टिंग करने का शौक़ है, तो हंगल साहब ने कहा एक्टिंग करोगे? अरे छोड़ो छोड़ो, क्या करोगे यार अभी? बोले नहीं मैं करूँगा साहब। बोले अच्छा ठीक है, तो आया करो रेगुलर, मेंबर बनाया उनको। तो सब ये समझिए, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि वो आदमी हरी, हरी हर जरी वाला आगे जाके संजीव कुमार बना। कई साल तो हमारे साथ उन्होंने थिएटर में काम किया, और मैंने फिर बाद में उनके साथ जब वो हीरो बन गए, बड़े एक्टर हो गए, बड़े आर्टिस्ट हो गए, काफ़ी पिक्चरें भी की। शोले में मैं उनके साथ था शुरू से आखिर तक, जो उनके साथ रामलाल कौन सा एक करेक्टर होता है वो मैंने किया। और आदमी बहुत अच्छे आदमी थे, भले मिलनसार, को ये नहीं कि मैं संजीव कुमार हो गया हूँ, ना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये देन है मैं समझता हूँ, आदमी जिस आदमी ने ज़िंदगी देखी हो, जो ज़मीन से वास्ता रखता हो, वो इस चीज़ को जानता है, और इसलिए उसके अंदर कभी मैं नहीं आएगा कि बड़ा एक्टर हो गया हूँ मैं, ये हो गया हूँ वो हो गया, ना कभी नहीं। आखिर तक जब तक उन्होंने अपने आप को समझा और रहे इस दुनिया में, उसी तरह रहे, कहीं मैं पना नहीं आया उस आदमी के अंदर। सही बात तो ये है कि नॉर्मल आदमी बन के रहा आखिर तक, हो चाहे वो चाय पिलाने वाला हो या बहुत बड़ा हीरो हो, किस हर एक के साथ नॉर्मल ही रहता था वो। हाँ ये था काम का, जहाँ तक काम का सवाल है, वो आते थे लेट, 2 बजे से पहले नहीं आते थे, लेकिन रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक कभी भी काम कीजिए, आप काम पूरा करके जाएंगे आपका, ये उनकी ख़ास बात थी। देखिए आदमी को तो जितनी तारीफ की जाए उस आदमी को उतना कम समझता हूँ मैं, एज ए एक्टर तो थे ही, एज ए आदमी मानवता के तौर पर भी बहुत बड़ा आदमी था वो, बहुत ही बड़ा। और आजकल के दौर में तो मिलने बहुत मुश्किल हैं ऐसे आदमी, जो बड़ा होने के बावजूद, नामी एक्टर होने के बावजूद नॉर्मल रहें, बहुत कम मिलेंगे आपको। ये थे संजीव कुमार। हमारी याद आ